हाय एंड नमस्ते टू एवरीवन। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा देखा जाए जो आजकल के सिचुएशन को रिलेट करता हो। एक एड जिसे नेशनल अवार्ड भी मिला गया है फॉर इट्स क्रिएटिविटी, एक एड जिसे हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बनाया था टू मेक ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। चलिए देखते हैं जो ये एड को अवार्ड मिला था वो हमारे इस 2024 के जमाने को किस तरीके से रिलेट करता है। तो चलिए लेट्स वॉच द एड एंड गिव आवर रिएक्शन ऑन इट। एक दिन हमारे गांव में किसी ने नहाने का सावर रख दिया। कईयों को तो बेचारों को पता भी नहीं होगा कि ये क्या है। सी द वे ही इज अंडरस्टैंडिंग। एक टाइम था मैं तक भी मग्गा बाल्टी इसी में नहाते थे। शावर का क्या मतलब था हमें तो पता ही नहीं था। सो आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन रिलेट। हमारे आधे गांव ने पानी पी लिया और एक शहर वाले का नहाना अभी खत्म ना हुआ। Each of us needs to understand what water means to Indian villages. Only then we can truly help. Hindustan Unilever, though its initiatives have managed to save 450 meters or liters of water. या कुछ पास चल रहा था, सॉरी मैं फिर से पीछे करता हूँ। बेंगलुरु, कर्नाटका, तेलंगाना आप सभी जानते ही हैं। लाइफ में एक्चुअली स्पीकिंग कार, बंगलो, properties, branded clothes, yeah, branded phones are not important as much as water. I would request all the viewers out there, we should never ever waste, I'm not even talking about water, but the natural resources jo hame milte hain, we should never waste them. Hame sirf ye nahi sochna chahiye ki shayad hamare state mein ye sab nahi ho sakta hai. You should never think in that manner. Haan, shayad un states mein issues hain, next it can also be in your state or it can also be in my state. So we should always be prepared and we should also be very responsible and concentrate towards natural resources. So chaliye, anyways guys, I won't lecture you guys because mujhe ye video ko kafi boring nahi rakhna hai, and let us just move ahead to another ad jo again relatable hai to our current 2024 ko. Abhi aap sochenge ki ye kaun sa wala ad hoga. This ad is related to corruption. So chaliye, let's watch the second ad jo relate karega corruption ko. Starts now. मिश्रा जी मैं पूछने आया था कि मेरी फाइल कहां तक पहुंची? जहां रखी थी वही है, लेकिन मैं तो मिश्रा जी बहुत पहले से उसको। जोशी जी, आप टीचर हैं, साइंस के नियम जानते हैं, विज्ञान। देखिए, गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तो गाड़ी चलेगी। फाइल में कुछ डालिए, वजन बढ़ाइए उसका। जोशी जी को, क्योंकि वहां से कुछ आने वाला है, इसलिए क्या है, चाय पियेंगे तो फिर चाय पानी की समझ आ जाएगी। ये चाय पानी वर्ड इमेजिन इज अ इनडायरेक्ट वे ऑफ आस्किंग फॉर ब्राइब। वेरी स्मार्ट। तो मेरी फाइल कहाँ है? आज उसका वजन बढ़ा ही देते हैं। क्या बात है, ये अच्छा। ही इज सो हैप्पी कि कुछ मिलेगा अभी। देखिए चाय का कमाल बढ़ गया। सी चाय का कमाल।
लीजिए मिश्रा जी। क्या है ना सर, आप शिक्षक हैं, आपको समझाना अच्छा नहीं लगता है। वैसे वजन बढ़ गया सर। देखिए मिश्रा जी, मैं इतना तो नहीं जानता कि वजन बढ़ा है या कितना बढ़ा है। मैं इतना जरूर जानता हूं कि आपके कंधों का बोझ बहुत बढ़ गया है। नमस्ते। वेरी टची। अगर शायद थोड़ा और लंबा होता है, वुड हैव क्राइड, सीरियसली स्पीकिंग। आई रियली लव माय कंट्री अ लॉट, एंड मैं शायद क्या, मैं एक्चुअली अपने देश के लिए जान तक भी दे सकता हूँ। सो करप्शन इज बेसिकली अ वेरी वास्ट टॉपिक, और मैं इस छोटे से वीडियो में उसे कवर नहीं कर पाऊंगा। बट इस वीडियो में मैं कम से कम कुछ सवाल जरूर पूछ सकता हूँ जो प्रॉब्ली काफी टीके होंगे और सीधे होंगे, एंड आई फील ये छोटे से वीडियो में वो जरूर फिट बैठेंगे। सवाल काफी सीधे हैं। क्या कभी किसी को चाय पानी दिया है? और अगर दिया है, मन से दिया है? और अगर मन से दिया है, कुछ आशीर्वाद निकले हैं मन से? क्या चेहरे पे झूठी हंसी आई है? और अगर देते वक्त क्या सर फकर से ऊंचा हुआ है या झुका है? ना चाहते हुए भी इतनी तारीफें करनी पड़ी है, शायद हमने अपने माँ बाप की भी ना की हो। सवाल अनेक है, पर मैं ये भी जानता हूं कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या सही और क्या गलत है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि चाय पानी देना या लेना या कुछ भी सही या गलत है। मैं आप पे छोड़ता हूं, आपके हिसाब से क्या ये है, सही या गलत। इतना जरूर जानता हूं कि करप्शन एक ना एक दिन जरूर मिट सकता है, और उस दिन मिट सकता है जिस दिन हम सभी देश प्रेम को सबसे ऊपर रखें। उस दिन करप्शन कंप्लीटली खत्म हो सकता है। चलिए एनीवेज, मेरा भी वक्त हो चुका है अलविदा कहने का। आई होप आप लोगों को हमारा ये हटके सा एड वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। चीयर्स, बाय।